हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल नवा एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास से पढ़ेंगे मोशन के पार्ट टू के बारे में। मोशन में पार्ट टू में बताएंगे आपको कि मोशन क्या होता है, मोशन समझिए क्या होता है। यानी जितनी वस्तु को हम देखते हैं आसपास का, वे क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। जैसे देख लीजिए आपके आसपास से क्या होता है, जब हवाई जहाज गुजरती है तो गति में होती है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ती हुई पक्षी है कि नहीं, चलता हुआ बालक, ये सब गति में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है, गति में है, ठीक। घूमती हुई पंखा, जब आपके घर में क्या होती है, पंखा जब घूर्णन करती है तो क्या गति में होती है। लेकिन क्या जानते हैं आप कि जो हम चीज डेली लाइफ में देखते गति करते हुए गति करता, उसके अलावा जो चीज हमें दिखाई नहीं पड़ता कि गति कर रहा, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, गति करता है। फिर उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए हमारे शरीर की, अगर धमनी या मांसपेशी, धमनी और सिरा का अगर बात की जाए, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ये भी क्या होता है, गति, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब उसके बाद जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, दौड़ते हैं तो हमारे शरीर की जो मांसपेशी होती है ये भी क्या होती है, गतिशील हो जाती है, क्या होती है, गतिशील हो जाती है। इसके अलावा पेड़ पौधा को आप देखते हैं, पेड़ पौधा में भी क्या होती है, गति होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती। उसकी गति को आंतरिक गति कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, यांत्रिक गति कहा जाता है पेड़ पौधे की गति को। इसके साथ साथ जितने भी ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, सभी क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जितने भी अणु परमाणु के कण होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं दुनिया में जितने ये वस्तु हैं सभी गतिशील होते हैं, सभी क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी सभी के कण आपस में क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, कोई दिक्कत चलिए नहीं। अब गति करते हुए समझ गए, अब उसको समझते हैं क्या कि विराम और गति क्या होता है, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज और क्लियर कर लें कि जिस तरह से क्या होता है कि बिना दुख के सुख की कल्पना नहीं कर सकते है कि जी, बिना दुख के सुख की कल्पना नहीं हो सकती, और बिना बुराई की अच्छाई का कल्पना भी नहीं हो सकती, और बिना रात के बिना दिन की कल्पना नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार विराम के बिना गति की कल्पना नहीं हो सकती है, और गति के बिना विराम की कल्पना नहीं हो सकती। एग्जाम्पल समझे इसको, अब दोनों में समझ गए नहीं हो सकती है। अब समझेंगे पहले कि विराम क्या होता है और गति क्या होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है। विराम क्या कहते हैं जी, रेस्ट, और गति को मोशन। अरे विराम और रेस्ट क्या होता है समझिए, जब कोई वस्तु क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष यानी समय के साथ क्या होता है, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। जब कोई वस्तु क्या होती है समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, उसे विराम कहते हैं, ठीक। और उसके बाद कहेगा सर गति क्या होता है, जब कोई बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, कोई जब कोई वस्तु क्या होता है किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष निश्चित समय में क्या था, अपना स्थान परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति भी समझ गए, और समझते गति और विराम के बीच क्या मतलब रिलेशन है, क्या इसके बीच संबंध है, उसको देखते हैं। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि ट्रेन में जब आप बैठते हैं, आप बाहर देखते सभी वस्तुओं का गतिशील है कि नहीं, पेड़ पौधे गतिशील है, आदमी गतिशील है, मकान गतिशील है। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर फिर झांकते हैं अपने आसपास, देखते क्या देखते हैं वहां पर कि जो हमारे आसपास बैठे हुए लोग हैं वे सभी क्या एकदम पूरे स्थिर अवस्था में। इसके अपोजिट देखिए, जब ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो क्या देखता है कि ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको क्या रहता है, गतिशील है, ठीक है जी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विराम के बिना गति की कल्पना नहीं कर सकते, गति के बिना विराम की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये दोनों क्या है, दूसरे के सापेक्ष, दोनों की क्या है, सापेक्ष। जब उसको समझ गए उसके बाद समझते क्या है कि देखिए, उसके बाद समझते वस्तु जो होती है गति जो करती है तीन अवस्था में, कितने तरह से, तीन तरह, एक सीधी रेखा में, एक वृत्तीय रेखा, एक घूर्णन गति में करती है। तो इस अध्याय में पढ़ेंगे गति का दो अवस्था है, कैसे अवस्था है जी, एक पढ़ेंगे सीधी रेखा में गमन, एक होता है वृत्तीय रेखा में गमन। और इस देखते सीधी रेखा में गमन क्या होता है, उसको देखते हैं। जब कोई वस्तु क्या होती है सीधी रेखा में गमन करती है तो उस गमन करने के लिए उसको एक निश्चित बिंदु चाहिए है कि नहीं, एक निश्चित बिंदु चाहिए और दिशा चाहिए, बिंदु और दिशा चाहिए। बिना बिंदु और किसी बिंदु निर्देश बिंदु से उस वस्तु की दूरी और वह वस्तु किसी दिशा में स्थित हो है ना, यानी दिशा और निर्देश बिंदु वह चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर कहा जाए कि पटना में गोलघर क्या है,
पटना में गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल गया कि निश्चित बिंदु क्या है कि गांधी मैदान जो है, गांधी मैदान से कहाँ से जी, गांधी मैदान से, गांधी मैदान से क्या है गोलघर, क्या है जी गोलघर, गोलघर, गोलघर जो है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर दूरी पर? 1 किलोमीटर की दूरी पर। गांधी मैदान से गोलघर कितना किलोमीटर दूरी पर? कहाँ पे? पटना में। कहाँ में जी? पटना। यहाँ पर जो मूल बिंदु आपका क्या हुआ, गांधी मैदान होगा। क्या हुआ जी? गांधी मैदान होगा। इससे पता चल गया कि उसकी डिस्टेंस कितनी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है कि किधर है वो, किधर। अगर यहीं पर बोलेंगे पटना में गांधी मैदान जो है, पटना में गोलघर जो है गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पूर्व में, किधर है जी? पूर्व में या पश्चिम में, जिधर डायरेक्शन दिया रहेगा उधर बोल देंगे, अरे मान लेते पूर्व में। तो इससे पता चल जाता है स्पष्ट रूप से गांधी मैदान में गोलघर जो है, पटना में जो गोलघर है गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पूर्व में। समझ गए बात को? इस तरह से इस चीज को हम निर्धारित कर सकते हैं। यानी क्या देखिए आप, यानी किसी वस्तु सीधी रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है उसके लिए मूल बिंदु चाहिए, क्या चाहिए? मूल बिंदु चाहिए। और वहां से वो गति जो कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। समझ गए ना? चलिए जब इस चीज को समझ गए, आप कहता है कि दिशा की जानकारी के लिए मुख्य रूप से दो चीजों का होना आवश्यक है। एक तो होता है आपको क्या होता है कि आपका कार्तीय अक्ष को कहा जाता है कास्टियन, कास्टियन एक्सिस, क्या कहा जाता है? कास्टियन एक्सिस, इसी को कार्तीय अक्ष कहा जाता है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये एक्स वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ, इसी कार्तीय एक्सिस कहा जाता है, कार्तीय अक्ष कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की दिशा का पता करने के लिए दो बिंदु का होना आवश्यक है, किसी वस्तु की, समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें? दिशा की जानकारी के लिए दो चीज होना आवश्यक है, एक आपका अक्ष हो गया, एक भौगोलिक दिशा हो गया। अगर भौगोलिक दिशा का बात किया जाए तो आपका होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अक्ष का बात किया जाए तो एक्स अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, एक्स डैक्स, वाई वाई डैक्स, ये आपका अक्ष हो गया, कार्तीय अक्ष हो गया, या आपका भौगोलिक दिशा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, ठीक है ना। चलिए जब क्या होता है कि मूल बिंदु से पूर्व, मूल बिंदु से, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, राइट, मूल बिंदु से जब दाहिने तरफ देखा जाता है, मूल बिंदु से दाहिने तरफ देखा जाता है तो इस एक्स को धनात्मक कहा जाता है, लेकिन मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स डैश को ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्स को ऋणात्मक माना जाता है। मूल बिंदु से, फिर समझिए, मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स को धनात्मक, मूल बिंदु से बाएं तरफ एक्स को ऋणात्मक माना जाता है, और मूल बिंदु से ऊपर वाई को धनात्मक माना जाता है, इसको पॉजिटिव माना जाता है, और मूल बिंदु से नीचे वाई को निगेटिव माना जाता है, इसको भी पॉजिटिव, इसको निगेटिव। चलिए समझ गए हम एक्सिस के बारे में क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, और समझते हैं भौगोलिक दिशाएं क्या होती है। अगर मूल बिंदु से अगर देखा जाए दाएं तरफ तो इसको ईस्ट कहा जाता है, और मूल बिंदु से बाएं तरफ कहा जाता है इसको वेस्ट कहा जाता है, यानी पश्चिम कहा जाता है। अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर देखा जाए तो क्या होता है? नॉर्थ होता है। और मूल बिंदु से नीचे की ओर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं। चलिए इसको भी समझ गए हमें, उसके बाद देखते क्या है। जब इस चीज को समझ गए उसके बाद समझते हैं कि कोई वस्तु जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको दर्शाने के लिए मतलब दर्शाने के क्या तरीका होता है उसको देखते हैं। इसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या है कि जो एक निश्चित बिंदु से, जैसे यहाँ पर दे दिया है कि एक्सिस दिया हुआ है कि नहीं, कार्तीय अक्ष दे दिया। कार्तीय अक्ष में क्या होता है, कहा जाता है इसमें जो है मूल बिंदु आपका ओ हो गया, मूल बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। मूल बिंदु से क्या है कोई वस्तु, कोई वस्तु ए, कोई वस्तु ए क्या है कि जो अढ़ाई मीटर एक मीटर या अढ़ाई मीटर आप कह सकते हैं, क्या है वस्तु ए मूल बिंदु से 2.5 मीटर की दूरी पर पूर्व में है। इसको दर्शाने के लिए किधर करना पड़ेगा? अब पहले क्या है यहाँ पर दिया हुआ, वस्तु ए लिए मूल बिंदु से, कहाँ से जी? मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका ओ हो गया, से 2.5, यहाँ एक दो, दो का आधा कितना होता है? 0.5 होता है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। किधर है? तो पूर्व में। आप जानते हैं कि जब भी मूल बिंदु से राइट साइड जाते हैं, किधर जाते हैं जी? राइट साइड जाते हैं, ये ईस्ट कहलाता है, पूर्व कहलाता है कि नहीं जी? पूर्व कहलाता है। और ये एक्स क्या धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। कह सकते हैं कि वस्तु ए मूल बिंदु से 2.5 मीटर की दूरी पर पूर्व में है। समझ गए इसको? चलिए जब इसको समझ गए अब उसके बाद समझते क्या है कि कोई वस्तु क्या होती है जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको जब रेखा पर दर्शा जाता है, जब क्या होती है कोई किसी प्रकार के कोण बनाकर वो गमन करती है, किसी सीधी रेखा पर दर्शाया जाता है तो उसको देखिए। जैसे मान लेते हैं
कि वस्तु क्या है, कोई कोई वस्तु साइड एरिया कौन बनाया है, ठीक है, बनाया है तो उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, कौन का यहाँ पर डिनोट करेंगे, साइड एरिया कौन बना हुआ। अब जो कौन बना हुआ है इस कौन को देखिए क्या है कि कोई यह वस्तु जो है कि 4 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी जी, 4 मीटर की दूरी तय किया है। ये 4 मीटर का जो दूरी तय किया है जी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तु बी, देखिए क्या है जी, वस्तु बी क्या है, वस्तु बी मूल बिंदु से 4 मीटर दूरी पर साइड एरिया कौन बनाते हैं, पूर्व की ओर, पूर्व से उत्तर, पूर्व से उत्तर। अब इसको हम पूर्व कहते हैं, जानते हैं इस बात को, और इसको नॉर्थ कहते हैं, उत्तर कहते हैं, उत्तर कहते हैं, जैसे पूर्व और उत्तर कहते हैं। चल ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, यानी क्या है कि पूर्व से उत्तर, पूर्व से उत्तर, पूरा पूर्व से उत्तर, पूर्व से उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर की दूरी पर साइड एरिया का कोण बनाते हुए वस्तु कोई भी क्या है, यहाँ पर देखिए वस्तु बी है, क्या है यहाँ पर जी, वस्तु बी है, बी है जो है क्या है, पूर्व से पूर्व उत्तर में है, पूर्व उत्तर में है, कितने पर, तो 4 मीटर की दूरी पर, साइड एरिया कोण बनाते हुए, समझ गए, उसको दर्शा सकते हैं कौन बनाता है। अब उसे समझते हैं कि कोई वस्तु क्या है वृत्तीय पथ पर जब गति कर रहा है उसको कैसे डिनोट किया जाता है। देखिए जब भी डिनोट किया जाता है उसको मूल बिंदु से मूल बिंदु के अनुसार ही दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोई वस्तु क्या है मूल बिंदु ओ से पूर्व की ओर, देखिए यहाँ पर पूर्व उत्तर, यहाँ पर उत्तर है जी, तो पहला जो यहाँ पूर्व की ओर झुकाव है, किधर झुकाव है, पूर्व की ओर झुकाव है। कोई बिंदु पी क्या है मूल बिंदु से 30 डिग्री के कोण पर पूर्व से उत्तर, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ, यानी पूर्व से उत्तर की ओर दर्शाया गया है, समझ गए ना। कितने 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु क्या है 30 डिग्री कोण बनाकर यहाँ पर है, यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए 2 मीटर केंद्र से पूर्व, 2 मीटर केंद्र से, देखिए केंद्र से है ना, यहाँ पर केंद्र हो गया मूल बिंदु, यहाँ पर से पूर्व से उत्तर 30 डिग्री कोण बनाकर यहाँ बैठा हुआ है कि नहीं कोई वस्तु है। और उसके बाद आता है इसका बात कहता है कि 2 मीटर केंद्र से उत्तर, केंद्र से उत्तर से पश्चिम की जगह, देखिए उत्तर से पश्चिम, यहाँ उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी इसका झुकाव जो है उत्तर की ओर ज्यादा कोण बना, उत्तर की ओर कोण बना हुआ, इसलिए सबसे पहले उत्तर का डिनोट किया जाता है यहाँ पर, यहाँ पर पूर्व की ओर झुकाव था इसलिए पूर्व का शुरू में डिनोट किया गया था, डिनोट किया गया था पूर्व से पश्चिम त्रिज्या कोण बनाया है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 2 मीटर केंद्र से पश्चिम की ओर है कि नहीं, 2 मीटर केंद्र से पश्चिम की ओर कोण बनाए हुए हैं, समझ गए ना, पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम को बिंदु को डिनोट करा, इसलिए पश्चिम यहाँ पर उत्तर क्यों नहीं लिखा गया, दक्षिण क्यों लिखा, क्योंकि दक्षिण का कोण का निर्माण नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट जिस भी मूल मूल रेखा को ही क्या किया है डिनोट किया, इसलिए क्या कहते हैं 2 मीटर केंद्र से पश्चिम की ओर कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गया होंगे, चलिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।